कोलकाता रेप और मर्डर केस में पुलिस पहले दिन से इस मामले को दबाने में लगी हुई है। लड़की की डेड बॉडी जिस हालत में मिली थी उसे देखकर पुलिस में पहले दिन भर्ती हुआ कोई शख्स भी बता देता कि पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई थी, पर कोलकाता पुलिस अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वालों को नोटिस भेजने में व्यस्त रही। जबकि बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद बंगाल सुलग रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा है, बंगाल की जनता सड़कों पर है, लोग उस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर से लेकर पढ़ने वाले बच्चों तक हर कोई उस महिला डॉक्टर के हक की बात कर रहा है, लेकिन जिस वक्त इस लड़ाई को लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं, ममता बंगाल के लोगों से एक सच छुपा रही हैं। ममता ने इस मामले का वो सच लोगों से छुपाया है जिसके खुलते ही बंगाल में ममता सरकार गिर जाएगी और लोगों को ममता की हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन अब ममता से वो सवाल बीजेपी ने पूछ लिया है, वो सवाल जिसने बंगाल में दीदी की नींद उड़ा दी है, वो सवाल जिसके बाहर आते ही ममता को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, यह बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे एक छात्र की है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक छात्र को एक पुलिस वाला हॉकी से पीट रहा है। इस छात्र की गलती केवल इतनी है कि ये उस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इस वीडियो में पुलिस वाले के हाथ में हॉकी देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बंगाल पुलिस उस महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने वाले लोगों की आवाज दबाना चाहती है? मंगलवार को सरकार ने नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोलकाता में वही सब कुछ किया जो दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर किया था। पंजाब पुलिस ने आंदोलनकारियों को दबाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। आंदोलन करने वाले अपने साथ न बख्तरबंद ट्रैक्टर लाए थे और न ही निहंग सिखों की तरह तलवारें लहरा रहे थे, फिर भी कोलकाता पुलिस ने जमकर लाठियां बजाईं। अगर वास्तव में ममता को उनकी फिक्र होती तो उस रात के गुनहगार पर तुरंत एक्शन लिया जाता, लेकिन एक्शन कैसे लिया जाए? आरोपी तो ममता की पुलिस का करीबी है, उनका चहेता है, अब जब दीदी की ही सरकार तो डर काहे का। दूसरी वीडियो भी देख लीजिए, ये वीडियो भी बंगाल में चल रहे प्रोटेस्ट की है, लेकिन इस वीडियो में ममता की पुलिस ने जो काम किया है उसे देखकर साफ तौर पर दिख रहा है कि ममता की पुलिस न केवल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे लोगों को पीट कर उनका अपमान कर रही है, बल्कि तिरंगे का भी अपमान किया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बुजुर्ग जिसके हाथ में है उसे पानी की बौछार से भगाने की कोशिश की जा रही है, उसे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहते हैं कि जिनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत होते हैं उन्हें कोई पीछे हटा नहीं सकता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस तरह मंगलवार को शांतिपूर्ण नबन्ना मार्च को दबाने का प्रयास किया है वो एक ऐसी मिसाल है जो देश में कहीं नहीं मिलेगी। पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गैर कानूनी करार दिया जाता है, फिर बल प्रयोग करके जनता को दबाने का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी फोटो उपलब्ध हैं जिसमें मुट्ठी भर लोगों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करते पुलिस दिख रही है। आमतौर पर यह तब होता है जब जनता हिंसक हो जाती है। पुलिस की लाठीचार्ज में करीब 100 स्टूडेंट्स घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 20 से 25 पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। खैर, पिछले कुछ दिनों से बंगाल में जिस तरीके से ममता सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है उसे पूरा देश देख रहा है। ममता सरकार के इसी सच को बीजेपी जनता के सामने लाना चाहती है कि आखिर ममता सरकार उस आरोपी का साथ क्यों दे रही है। अब बीजेपी ने ममता सरकार से एक सुलगता हुआ सवाल पूछा है। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के मामले में आरोपी संजय रॉय, संदीप घोष समेत कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। इसी बीच भाजपा ने कहा है कि इस मामले में सीएम ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। बीजेपी ने मांग की है कि सीबीआई सीएम ममता बनर्जी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस आयुक्त ने शुरू में कहा था कि पीड़िता ने आत्महत्या की है, जबकि बाद में कुछ और मामला सामने आया। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या समय रहते आरोपी को सजा मिल पाएगी या सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।